हेलो दोस्तों, गोट फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए जम्स क्रिएशन चैनल को और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। हेलो सुनील भाई। नमस्ते। नमस्ते, फिर एक बार वापस आपके फार्म पे। तो क्या रीजन है सुनील भाई कि आप बोर गोट फार्मिंग से हट रहे नहीं हो, सिर्फ बोर में ही कंटिन्यू काम है, क्या रीजन उसका? अरे 12 साल से फार्म चालू है अपना। हाँ हाँ, और पहले से क्वालिटी भी मेंटेन रखी है हमने। ओके, हाँ, नो डाउट आपके पास जो क्वालिटी है, नाम भी इतना हो गया है कि क्वालिटी की वजह से नाम हो गया है। हाँ, वो तो है कि जो बाहुबली ने आपको एक इमेज क्रिएट किया आपके। हाँ, बहुत अच्छी वजह ने, वो पेडिग्री बहुत अच्छी हो आपके बीच में। एक राइडर हो गया था, अभी किंग फिशर है अपना नया वाला, ये किंग फिशर है। हाँ, अभी इसी के बच्चे है सब, अभी दिख रही है सब इसी के बच्चे, ये 4th जनरेशन के बच्चे हैं सब। कौन से जनरेशन? 4th जनरेशन। जनरेशन कैसा होता है, आइडेंटिफाई बताएंगे जनरेशन का क्या है? निमकर के फीमेल होती है ना, उसको इंपोर्टेड मेल क्रॉसिंग करेंगे। ओके, फुल ब्लड का मेल। हाँ हाँ, तो 1st जनरेशन निकलता है प्रोडक्शन। ओके, अभी अपना प्रोडक्शन जैसे कि बहुत टाइम हो गया इसमें काम करते हैं हम। हाँ हाँ, तो जनरेशन आगे आगे बढ़ता चला गया। अभी आपने बोला कि जैसे ये किंग फिशर को निमकर से क्रॉस करेंगे, जो बच्चा आएगा वो फर्स्ट जनरेशन आएगा, फिर फर्स्ट जनरेशन को दूसरा वाला, दूसरी ब्लड लाइन का मेल यूज करेंगे। हाँ, तो सेकंड जनरेशन आएगा। अच्छा, मतलब फर्स्ट जनरेशन को दूसरे से क्रॉस करने पे सेकंड जनरेशन डेवलप होती है। हाँ, क्योंकि मैंने भी ऐसा कहीं पे देखा है कि लोग ये बोलते हैं कि भाई जब वो सेकंड टाइम डिलीवरी कर रही है, थर्ड टाइम डिलीवरी कर रही है, तो वो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन वो नहीं है ना। टाइम सेकंड टाइम ऐसा कुछ नहीं है, डिलीवरी का पीरियड अलग अलग रहता है। अलग अलग, पर आप कौन सा मेल यूज कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम आपने निमकर से, जैसे निमकर की फीमेल की बकरी उसको फुल ब्लड का मेल यूज किया, फर्स्ट जनरेशन निकलेगा। जैसे कि वो सेकंड टाइम बच्चा देगी, थर्ड टाइम देगी, उसका कोई इशू नहीं, वो जनरेशन में काउंट नहीं होगा। नहीं होगा, फिर उसकी बकरी फिर दूसरा नया ब्रीडर। हाँ, फिर वो जो बच्चा आएगा वो थर्ड जनरेशन, वो जनरेशन अपग्रेड होते जाएगा। हाँ, अपग्रेड, अभी ये सब 4th जनरेशन है अपने पास। अच्छा, अभी आपके पास आप 4th तक आ चुके हो। हाँ, छोटे बच्चे, ये किंग फिशर वाले ना। हाँ, ये किंग फिशर का। ये जो दोनों बच्चे है ये भी क्या एज पे? अभी एक महीने के बच्चे है। एक महीने के। हाँ, और आप सेलिंग कब से स्टार्ट करते हो? बुकिंग होती है और कम से कम 4 महीने में हम सेल करते हैं, जैसे कि पूरा वैक्सीन होता है, फिर डिवर्मिंग होता है, उनको पूरा पेडिग्री देते हैं हम। ओके, और क्या मतलब मिनिमम क्या वेट पर जाते हैं आपके 3 से 4 महीने के बच्चे? मिनिमम बच्चे जाते 20+ हो जाएंगे, 20+ मिलेंगे। हाँ, अभी जनरेशन में इसमें फर्स्ट जनरेशन और 4th जनरेशन या 3rd जनरेशन बोलू, क्या डिफरेंस आपको देखने मिल रहा है मतलब? हाँ, डिफरेंस तो बहुत है। अभी फर्स्ट सेकंड तो अपने पास देखने के लिए फीमेल है बड़ी वाली। वो वाली फीमेल पकड़ो ना, वो कौन सी ब्लड लाइन की? वो 3rd जनरेशन है ये फीमेल, ये 3rd जनरेशन। हाँ, ये किसकी है मतलब? ये, हाँ हाँ, ये अभी दूसरा एक मेल था अपने गब्बर करके, एक है अपने दोस्त का। हाँ हाँ, वहाँ से क्रॉसिंग करके। अच्छा, क्रॉस करके आपने मंगाए थे। और सबसे मेन क्वेश्चन, क्या प्राइस में भी आप दे रहे हो? मेल लेते 1,000 रुपये पर के जी, 1,000 रुपीज़ पर के जी, 2,000 रुपये पर के जी फीमेल, 2,000 रुपये पर। और जनरेशन ऐसा कुछ नहीं है? जनरेशन 3rd 4th, 3rd एंड 4th, 1,000 रुपीज़ के जी। और डिलीवरी? डिलीवरी का चार्ज वो पार्टी को देना पड़ता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया हो जाती है डिलीवरी? फिर भी अगर नॉर्मली पूछूं, जैसा अगर यूपी साइड, कोलकाता साइड, कितना जा रहा है डिलीवरी चार्जेस? बहुत सारा, मतलब डिलीवरी का चार्जेस, जैसा अभी 1,000 रुपीज आपने के जी कहा, मान लीजिए ये 20 केजी हुआ तो 20,000 रुपीज इसकी प्राइस हो गई। और डिलीवरी का यूपी नॉर्मली पूछूं, जैसे कोलकाता वेस्ट बंगाल जाएगा। हाँ, तो जैसे कि पुणे से गाड़ी होती है तो चार्ज कम लगेगा। ओके, पुणे से गाड़ी नहीं होती तो मुंबई जाना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ डबल 250 किलोमीटर। हाँ, तो बाय रोड का चार्जेस और वहाँ का जो लोडिंग का चार्जेस है, लोडिंग का चार्जेस। हाँ, तो ये सब मिला के वो डिपेंड करता है, मतलब जो भी कस्टमर आपसे बात करे वो आपको बता दे। हाँ हाँ, और अभी आप जो अपने ही ब्लड लाइन में डील करते हो कि कुछ फ्रेंड सर्कल में भी डीलिंग चालू है आपकी? ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास जैसे कि माल नहीं होता। हाँ, और हमारे यहाँ से जो बाहर गया है, जैसे अभी आप बोल रहे कि कोलकाता से, कोलकाता में हमने माल दिया है और वहाँ से रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो वहाँ का माल वहाँ ही सेल आउट हो जाता है, उनका कांटेक्ट हम उनको दे देते हैं। अच्छा, मतलब आप कहीं ना कहीं इन शॉर्ट बोल सकते हो सेलिंग में भी हेल्प कर रहे हो? हाँ, कस्टमर जो वहाँ का है। हाँ, तो कोलकाता का किसी को सेल करना हो, कोलकाता का कस्टमर भी आपके पास न्यू आया है, उनका तो ट्रैवलिंग चार्जेस सब बच जाते हैं। और उनका भी जैसे कि वहाँ के क्लाइमेट में वहाँ ही उनको मिल जाएगा। हाँ, सेट क्लाइमेट मिल जाता। हाँ, है, ये एक अच्छी चीज होगी। कुछ न्यू ब्रीड ट्राई करना है आजकल, जैसा एक बहुत ट्रेंडिंग में है सानेन टॉगेनबर्ग है, क्योंकि नो डाउट आपने बताया ना बोर की लाइन में आपका एक नाम है, बाहुबली खुद में एक ब्रांड है कि लोग जानते हैं बाहुबली को,
तो कुछ न्यू ट्राई करने का सोच रहे हो आप? अभी सोचा तो नहीं है क्योंकि अपना नाम ही उसी में है। आप जैसे देखते फिर भी एक बोलते ना अपग्रेड देखो, हर एक जैसा फोन भी है अपडेट आते रहता, अपग्रेड करना पड़ता, तो आपको नहीं लग रहा कि एक मूव ऑन होना चाहिए? बाहुबली ने आपको एक बहुत अच्छा बोर की फील्ड में एक नाम दिया है, तो एक न्यू ब्रीड में कुछ है ऐसा कुछ करेंगे? ज्यादातर आप जैसा बोल रहे हैं कि करना चाहते हैं तो सानेन में करेंगे। सानेन में? हाँ। बट वो इंपोर्ट रहेगा कि इंडियन रहेगा? नहीं, जो भी मिलेगा, जो भी मतलब डिपेंड ऑन क्वालिटी। शुरू में तो जैसे कि क्वांटिटी में नहीं कर सकते, एक दो पीस लेंगे। अच्छा, मतलब आप भी पहले स्टार्टिंग जीरो से ही स्टार्ट करने वाले? मैं भी जैसे 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं भी इतना क्वांटिटी में नहीं ले सकता क्योंकि वो भी सेट होना चाहिए। वो सानेन के मतलब अलग ही फीचर्स हो जाते हैं। ये जो आपका पूरा शेड है, ये क्या साइज का है? अभी जो शेड पे हम खड़े हैं, ये साइज क्या है इसकी? ये 20x20 का है, ये एक बाड़ा है ना 20x20 का है, उधर एक 20x30 का है। ओके। और वो भी 20x20 का है। यहाँ पे मतलब केज सिस्टम, जो ब्रीडर भी रहता है वो पूरा टोटली ओपन ही रहता है? हाँ, ओपन ही सब, किसी को बंद के नहीं रखते। और वो जो बाजू में शेड है ना, वो 60x60 का है। इनके सर्टिफिकेट आप जब डिलीवरी के टाइम पे आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं? सर्टिफिकेट पेडिग्री सब देते हैं, पूरा ब्लड लाइन और क्या क्या वैक्सीन हो चुका है पूरा देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, और एक बार अपने लोकेशन आप बता दीजिए किधर है एग्जैक्टली हम? इंद्रायणी पर हम बारामती। गूगल पे अपडेट है? गूगल पे है। ओके। मोबाइल नंबर 7057523353। ओके। तो फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छे जनरेशन में काम करना है तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करें सुनील भाई को। मोस्टली हमने सुनील भाई को मेरे चैनल पे आपने देखा होगा, लास्ट 5 ईयर से हम काम कर रहे हैं। हाँ। एक अच्छा इन्होंने मेंटेन किया है, ब्रांड मेंटेन किया है बाहुबली का, और ये अभी एक नेक्स्ट है इनका न्यू ब्रीडर। इसके ये अब तक कितने बच्चे निकाल चुका है? किंगफिशर अभी कम से कम 100 बच्चे तो निकले होंगे उसके, इसके भी हो चुके हैं मतलब मार्केट में, ये भी आ चुके हैं। बट जो चीज़ बाहुबली ने दिया वो इससे मिली, ये ट्राई कर रहा है कर रहा, बट बाहुबली का जो फेम था वो नहीं वो आया हुआ। हाँ नहीं, हो जाएगा, टाइम है ना। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी क्वालिटी में डील करना है तो आप ज़रूर सरुल भाई को कॉन्टैक्ट करें।